दोस्तों BSNL का जो इंडिजिनियस OSA 4G रेडी हुआ था वो बहुत सारे लोकेशन के अंदर धीरे धीरे लॉन्च हो रहा है। सो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि दादा मेरे एरिया पे, मेरे गांव पे, मेरे शहर पे कब लॉन्च होगा। सो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि BSNL जो है अपना 4G दो तरीके से लॉन्च कर रहा है। एक तो है ऐसी जगह पे लॉन्च कर रहा है जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, कोई भी मतलब कंपनी जो है यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पर यूजर बेस बहुत ही कम है, बहुत ही नक्सल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, रूरल एरिया है, समुंदर के साइड पे जो छोटे छोटे गांव होते हैं, पहाड़ के ऊपर जो छोटे छोटे गांव होते हैं, यहाँ पर कोई भी कंपनी टावर वगैरह इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि इस टावर से प्रॉफिट तो दूर की बात है, इस टावर बिठाने में जो खर्चा होगा वही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर यूजर बेस बहुत ही कम है। लेकिन ये लोग भी भारत के रहने वाले हैं इसलिए BSNL यहाँ पर काम करते हैं, टावर इंस्टॉल कर रहे हैं और 4G लॉन्च भी हो चुका है। ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरिया पे 4G लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप सभी को बताया है। और उसके साथ साथ BSNL दूसरा एक एरिया पे काम कर रहा है, वो एरिया है मुनाफा एरिया, हाँ, जहाँ पर प्रॉफिट आने वाला है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अभी BSNL का आएगा अयोध्या से क्योंकि दोस्तों पूरे देश की नजरें जो है अयोध्या के ऊपर टिका हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी जो है रामलला की यहाँ पे पुनः प्रतिष्ठा होने वाला है, इसीलिए पूरा देश जो है वहां पर मतलब 22 जनवरी ना हो, 23, 24, 25 कभी भी यहाँ पर आ सकता है। सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ देश का लोग नहीं विदेश से भी यहाँ पे लोग आने वाला है, इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए BSNL जो है यहाँ पर काम कर रहा है। और एक रीजन है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि रोड और उसके साथ साथ यहाँ पर टेंट सिटी, ये तीन जगह पे ऑलरेडी BSNL ने 4G लॉन्च कर दिया है और बढ़िया तरीके से लोग 4G यूज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्पीड है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ जगह है, मंदिर के साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कुछ जगह है जहाँ पर नेटवर्क जो है थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर टोटल 8 टावर जो है इंस्टॉल हो रहा है। और पूरे यूपी ईस्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो 6,000 टावर पे काम चल रहा है और फेब्रवरी के अंत तक ये काम खत्म हो जाएगा क्योंकि BSNL को टारगेट दे दिया गया है कि फेब्रवरी के अंत तक ये 6,000 टावर का जो काम है ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और BSNL सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर पे नहीं, यहाँ पर ब्रॉडबैंड सेक्टर पे भी काम कर रहा है। BSNL का जो ब्रॉडबैंड है ये इसका जो यूजर बेस है ना सिर्फ यूपी ईस्ट में 46,000 है, तो इसीलिए ब्रॉडबैंड सेक्टर पर भी किया काम चल रहा है कि जो अभी जो ब्रॉडबैंड चल रहा है DSL कनेक्शन उसको भारत फाइबर में कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि भारत फाइबर में लैग वगैरह नहीं होता है और इंटरनेट स्पीड जो है बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर ऐसे काम तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ एक रिपोर्ट जो ट्राई ने पब्लिश किया था अक्टूबर महीने में, अक्टूबर महीने में पूरे इंडिया की अगर बात करता हूँ तो BSNL को छोड़कर 5 लाख लोग चले गए, मतलब 5 लाख सब्सक्राइबर जो है लॉस हुआ है। लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपी ईस्ट में, हाँ, यूपी ईस्ट में 31,120 यानी कि 31,120 लोग BSNL को ज्वाइन किया है, हाँ, यूपी ईस्ट में अक्टूबर महीने में एक महीने के अंदर 31,120 लोगों ने BSNL को ज्वाइन किया है, BSNL ने सब्सक्राइबर ऐड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर BSNL का 4G टावर जो है इंस्टॉल हो चुका है और मतलब यहाँ पर लोग जो है BSNL का 4G का मजा भी ले रहे हैं 3G के प्राइस में, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है BSNL को वापस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से पूरे इंडिया में जब लॉन्च हो जाएगा BSNL का 4G तब बहुत सारे लोग जो है BSNL को पसंद करेगा, ये मुझे जो लग रहा है, मुझे तो लग ही रहा है। आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे यूपी में, हाँ, पूरे यूपी में 81,28,335 यूजर बेस अभी BSNL का है और सिर्फ यूपी ईस्ट की मैं बात करता हूँ तो 20 लाख प्लस यूजर बेस यूपी ईस्ट में है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूजर बेस है BSNL का। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो कि BSNL को पसंद ही कर रहे हैं, BSNL का नया सिम खरीद रहे हैं और उसके साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ भी होने वाला है, यानी कि यहाँ पर नेटवर्क वगैरह स्ट्रांग रहना चाहिए। तो ये 3-4 रीजन है इसके लिए यूपी ईस्ट में बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और ये सारे के सारे काम जो है फेब्रवरी के अंत तक आपको खत्म होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था यूपी ईस्ट के बारे में, BSNL जो है यूपी ईस्ट को कवर कर रहा है और बहुत जल्दी आपको यूपी ईस्ट पूरा जो है कवर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो को पसंद आने लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।